हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स योर सन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ आई बीम, यानी कि हम आई बीम का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूं अपने में टॉपिक की ओर, कैलकुलेट द वेट ऑफ आई बीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक आई बीम का ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊपर वाले पार्ट की लेंथ कितनी है 100 mm है, ठीक है, और ये भी लेंथ 100 mm है, और इसकी जो थिकनेस वो कितनी है 15 mm है, और जो ये बीच वाला पार्ट बी पोर्शन है उसकी भी थिकनेस कितनी है 15 mm है, ठीक है, और इसकी ये टोटल जो डेप्थ है वो कितनी है 200 mm है, और लेंथ कितनी है इसकी जो आई बीम हम लिए हुए हैं उसकी जो लेंथ है वो है 1000 mm, यानी कि 1 meter है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें आई बीम का वेट निकालने के लिए हमें आई बीम की डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई बीम जो हमारी किसकी है, स्टील की है, ठीक है। तो स्टील की डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 kg प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमें डेंसिटी पता चल गई स्टील की, ठीक है। बस हमें क्या करना है कि वैल्यूम निकाल कर आई बीम का, उसमें हमें क्या करना है कि उस वैल्यूम से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा डेंसिटी में, तो हमें इसका वेट मिल जाएगा, ठीक है, 1 meter में कितना इसका वेट है। तो 1 meter के लिए मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो वैल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो इसका वाला ए पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, उसका हम वैल्यूम निकाल लेंगे। यही वैल्यूम इस ए वाले पार्ट के, ये क्योंकि ये दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों की साइज़ सेम है, तो दोनों का जो वैल्यूम होगा वो सेम होगा। तो इसका ए का निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इन दोनों का हमें वैल्यूम मिल जाएगा, और बी का हमें वैल्यूम निकाल लेना होगा, ठीक है। तो ये दो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे इस पोर्शन का। तो ए का वैल्यूम इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो लेंथ इसकी कितनी है ए पोर्शन की, ये लेंथ कितनी है 100 mm है, ठीक है। तो 100 mm ये होगी इंटू, ठीक, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ 15 mm है, ठीक है, 15 mm ये होगी, और हाइट इसकी ये 1 meter के लिए हम कर रहे हैं, तो 1 meter ये होगी, तो 1000 mm, ठीक है। तो 1000 mm यहाँ मैंने ये नोट कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मीटर में देखिए वैल्यू क्या होगी, 100 mm को चेंज करेंगे मीटर में आता तो आ जाएगा 0.100 meter, ठीक है, और 15 mm को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.015 meter, और 1000 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 meter हो जाएगा। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, तो वो देखिए कितना है, 0.0015 meter cube, यानी ये ए का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब ये ऊपर वाले पॉइंट का हमें ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का हमें वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइज़ है, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यूम के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए आगे, तो टोटल वैल्यूम ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टू, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ए इंटू टू करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना आया, 0.0015 into 2, ठीक है। तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.0030 meter cube। तो ये हमें टोटल ए का वैल्यूम ये हमें मिल गया, ठीक है, दोनों पार्ट जो थे ऊपर नीचे वाले उसका हमें ये वैल्यूम मिल गया आई के, अपने आई बीम का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि वैल्यूम ऑफ बी, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमें बी का वैल्यूम निकालना है, तो बी का वैल्यूम इसका लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे निकालूंगा, उससे पहले आप ब्रेथ देख लीजिए, ब्रेथ कितनी थी इसकी 15 mm, ये हमने यहाँ लिया, और हाइट इसकी कितनी थी 1000 mm, ठीक है, ये हमें हाइट मिल गई। अब लेंथ देखिए बी के हम कैसे निकालेंगे, तो इधर ये मैंने साइड में कैलकुलेशन किया, उसे देख लिए, बी की जो वो होगी लेंथ वो कैसे होगी कि ये टोटल जो इसकी लेंथ कितनी थी वो 200 mm थी, ठीक है, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट तक की। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 200 - ये 15 mm इसकी थिकनेस है, इसको माइनस कर देंगे, और इधर की 15 mm, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ, तो वही मैंने किया यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में, इन दोनों को मैंने पहले जोड़ लिया है, तो 15 + 15 ये हो गया 30, और 200 में 30 माइनस कर दिया तो 170 mm, ये हमें बी की लेंथ मिल गई 170 mm, ठीक है। तो अब आगे देखिए कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये पता चल गया कि ये लेंथ कहाँ से आई है, 170 mm, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 170 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.170 meter, और 15 mm को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.015 meter, और 1000 mm को चेंज करेंगे तो 1 meter हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए वो कितना है, 0.00255 meter cube,
यानी कि बी का वैल्यूम हमें ये मिल गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमें आई बीम का अपने वैल्यूम निकाल लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि ए का जो ये वैल्यूम आया है, ठीक है, ये प्लस बी का वैल्यूम, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल आई बीम का हमें वैल्यूम मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। टोटल वैल्यूम ऑफ आई बीम इज इक्वल टू 0.0030, ये ऊपर वाला ए का जो टोटल वैल्यूम था वो, प्लस बी का वैल्यूम कितना आया था 0.00255 यहाँ पास। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया तो टोटल वैल्यूम ऑफ आई बीम 0.00555 मीटर क्यूब, ये हमें टोटल वैल्यूम ऑफ आई बीम हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वेट ऑफ आई बीम निकाल लेना है। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि 1 m³ वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg। ठीक है, ये आपको पता है। तो फ्रेंड्स हमारा वेट ऑफ स्टील कितना आया था 0.00555 वेट ऑफ स्टील, ये हमारा आया। ठीक है, टोटल आई बीम का वेट कितना हो जाएगा हमारा 7850, ठीक है, इंटू 0.00055। ठीक है, ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 43.56 kg। यानी कि हमारा आई बीम का टोटल वेट जो है वो कितना है 43.56 kg। तो फ्रेंड्स 1 meter लेंथ ऑफ आई बीम जो हमारा वेट है वो कितना है 43.56 kg। ठीक है, तो ये हमें टोटल वेट मिल गया आई बीम का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।